नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीबीआई का घूस कांड का बवाल अब आगे बढ़कर जासूसी कांड के बवाल में तब्दील हो गया है। जी हां, आज जिस डायरेक्टर को हटाया गया था आलोक वर्मा, उनके घर के बाहर से संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, पता चला आईबी के अधिकारी है। बाद में पुलिस ने तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन बवाल बढ़ गया। सिक्योरिटी के चार लोगों के बीच दो लोग चंगुल में फंसे हैं, एक गुलाबी शर्ट पहने हैं तो दूसरा नीली कमीज। गुलाबी शर्ट वाले की गर्दन एक सुरक्षा कर्मी के हाथ में पहुंच चुकी है, वो उसे गर्दन से पकड़कर खींच रहा है, तो नीली कमीज वाले की कॉलर सुरक्षा कर्मी के हाथों में है। सड़क के एक तरफ से ये सुरक्षा कर्मी इन दोनों को सड़क की दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इसी बीच नीली कमीज वाला जमीन पर गिर पड़ता है। तो जिन लोगों को आपने सुरक्षा कर्मियों के चंगुल में देखा, वो कोई चोर उचक्के नहीं है, अपराधी नहीं है, ये तो बस लुटियन जोन्स दिल्ली का ताजा हाई वोल्टेज ड्रामा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को लेकर देश में जिस तरह का तमाशा चल रहा है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा तो बस उस धारावाहिक का ताजा एपिसोड है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों अपराधी नहीं है, चोर उचक्के नहीं है, तो आखिर है कौन, आखिर ये मामला क्या है। इन दोनों को संदिग्ध हालत में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर देखा गया। दो जनपथ स्थित आलोक वर्मा के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। इसके अलावा संदिग्ध हालत में आलोक वर्मा के घर के इर्द गिर्द मंडरा रहे दो और लोगों को भी सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इन चारों पर शक था कि ये आलोक वर्मा के घर की जासूसी कर रहे थे। बाद में पता चला कि चारों केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी के कर्मचारी हैं। इनके नाम है धीरज कुमार सिंह, अजय कुमार, प्रशांत कुमार और विनीत कुमार। जैसे ही आलोक वर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत घर के चारों तरफ का मुआयना शुरू किया, उन्हें संदिग्ध स्थिति में ये कार खड़ी मिली, जहां पर देखिए दिल्ली पुलिस के लोग भी आए हैं जांच करने के लिए। साथ ही घर के पिछले हिस्से में भी, जहां घर का पिछला गेट है, ये रास्ता घर के पिछले गेट की तरफ जाता है, वहां पर भी आपको एक कार खड़ी मिलेगी। वो उस कार में भी दो लोग थे और वो भी संदिग्ध अवस्था में सुबह 7:30 बजे खड़े पाए गए। ये चारों संदिग्ध लोग दो कारों में आलोक वर्मा के घर के आसपास पहुंचे थे। दो लोग ऑल्टो कार में थे और बाकी दोनों सिलेरियो में। यही वो कार है, दूसरी कार जो पुलिस ने रिकवर करी है। दरअसल चार लोगों को डिटेन किया है इस पूरे मामले में, अभी तक की जानकारी जो निकल कर आ रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ये चारों लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, दिल्ली पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। दूसरी जो गाड़ी है वो बिल्कुल इनके बैक साइड में खड़ी है, एक गाड़ी सिलेरियो थी और दूसरी ऑल्टो है, जिनमें चारों जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे। सुबह आलोक वर्मा के घर के आसपास से पकड़े गए चारों संदिग्धों को 10 बजे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से आईबी के आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए। 4 घंटे तक पुलिस उनसे पूछताछ करती रही। इसी दौरान गृह मंत्रालय की सफाई आ गई। गृह मंत्रालय से आई सफाई में कहा गया कि वीआईपी इलाके में आईबी के अधिकारी रूटीन पेट्रोलिंग पर होते हैं। बाद में आईबी ने भी अपने अफसरों की मौजूदगी पर सफाई दी। आईबी ने कहा कि सुबह उनके अधिकारी मौके पर गए थे, उन्हें जनपथ पर भीड़ इकट्ठा होने की खबर थी, उनकी इसी मौजूदगी को तूल दिया गया। गृह मंत्रालय से फरमान आ चुका था तो दिल्ली पुलिस की क्या बिसात, लिहाजा आईबी के चारों कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। चारों से यहाँ के स्टाफ ने पूछताछ की और उसके बाद पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की और सारे चीजें वेरीफाई करने के बाद उन चारों को छोड़ दिया गया, इस तरह की जानकारी सामने आई। बहरहाल लेकिन जिस तरह से शुरुआत में ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, और ये कहीं ना कहीं क्या वाकई जासूसी से जुड़ा है या नहीं, डिपार्टमेंट जो है बेसिकली इसको डिनाई कर रहा है। आईबी का साफ साफ कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के जो बादल है वो जरूर अभी तक छटे नहीं है। अब ये मामला गलतफहमी का था या जासूसी का, ये तो गृह मंत्रालय जाने, लेकिन सीबीआई कांड के इस ताजा एपिसोड से सरकार की और भी किरकिरी हुई है। विपक्ष तो विपक्ष, अपने भी सरकार पर उंगली उठाने लगे। सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर को हटा नहीं रहे हैं, एविडेंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्नूपिंग की बात वही है, उसी का एडवांसमेंट है। पहले आपने हटाया, फिर आपने उनका जो पूरा पेपर वर्क है वो लेने की कोशिश की,
मामला तो यह है ना कि उनको हटाना ही इलीगल है, उनको हटाया नहीं जा सकता है। स्नूपिंग तो भैया वो सब पे करते हैं, शायद वो स्नूपिंग तो आप पे भी कर रहे होंगे। आईबी के चार कर्मचारियों का आलोक वर्मा जी के आवास के पास जाना, गिरफ्तार होना, ये बड़ी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो भी घटनाक्रम पिछले सप्ताह हुआ है उसने खुफिया जांच एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी को तार तार कर दिया है। सीबीआई का बवाल अब मोदी सरकार के जी का जंजाल बन चुका है। दाग सीबीआई पर ही नहीं मोदी सरकार पर भी लग रहे हैं। दाग धोने के लिए सरकार ने सीबीआई के दोनों अफसरों की छुट्टी कर दी, महकमे में बड़ा फेरबदल किया, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। अगली सुबह इस जासूसी कांड ने सरकार की और भी फजीहत करवा दी। चिराग गोठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। सीबीआई का बवाल मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल। जी हां, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग जगहों पर भाषण देकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राफेल कनेक्शन पर उन्होंने अपनी बात कही, सरकार की तरफ से जवाब दिया प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रधानमंत्री ने देश को बोला कि मैं देश का चौकीदार हूं, इमेज उनकी चौकीदार की थी। अब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, पूरा देश जानता है, राफेल मामले में है और सिर्फ राफेल में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को मालूम है जिस दिन सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई उस दिन प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गए। तो ये जो रिएक्शन आया प्रधानमंत्री का, ये पैनिक रिएक्शन है, ये घबरा के डर के रिएक्शन लिया गया है, ये एक्चुअली इरेशनल है। मगर ये डर गए हैं, घबरा गए हैं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है और अब मैं पकड़ा जा रहा हूं। एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के जेब में डाले। एक क्राइम किया, उस क्राइम को बचाने के लिए दूसरा क्राइम, तीसरा क्राइम, चौथा क्राइम, पांचवा क्राइम होगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी पकड़ा जाएगा। देश नरेंद्र मोदी को छोड़ेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए की देश से चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है। उनको सपने में भी अब राफेल ही दिखता है और इसलिए रोज नया झूठ गठित करते हैं, मनगढ़ंत झूठ। जैसे आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सीबीआई डायरेक्टर को इसलिए हटाया क्योंकि वो राफेल की जांच कर रहे थे, हद हो गई। सीबीआई ऐसी जांच थोड़ी करती है, ना कोई कागज, और बताया कि 2 बजे उनके यहां से कागज जब्त किए, सरासर झूठ। उसको सफेद झूठ कैसे कहे, काला झूठ। ऐसे व्यक्ति को जनता पूरी तरह से परखती है और इसलिए जनता पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। उनकी, जैसे मैंने कहा, आपा खो बैठे हैं और धीरज गया है, समाप्त हुआ है, इसका ये लक्षण है। ये पूरा घटनाक्रम देखिए, जब से सीबीआई का ये विवाद सामने आया है, एक के बाद एक रोजाना ऐसे हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे हैं और मुश्किल पड़ रहा है सरकार के लिए उस पर सफाई देना। हालांकि तैयारी पूरी है, तमाम मंत्री, प्रवक्ता सब सफाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2 बजे ये काम इसलिए किया क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल मामले पर इंक्वायरी शुरू करने जा रहे थे। पैनिक करके 2 बजे रात प्रधानमंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर को निकाला, क्योंकि अगर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे देश को पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल कॉन्ट्रैक्ट देकर भ्रष्टाचार किया है।
ये जानबूझ करके अनर्गल बात कर रहे हैं जनता को दुग्भ्रमित करने के लिए। जहां तक छुट्टी भेजना हुआ और विभागीय कार्रवाई है, सस्पेंशन है और जांच है, ये सब मामले तो सीबीसी के अनुशंसा पर सरकार में होती है और सीबीआई में तो अवश्य होती है। तो लीगली सीबीसी को अधिकार था। गुजरात में भी स्नूपिंग के बिना कोई काम मोदी जी कर नहीं पाए और वही बात पिछले 4-4.5 साल से देश में भी हो रही है। किसी को भी काम इंडिपेंडेंटली करने नहीं देना, ये उनका एजेंडा है और उस दिशा में 23 साल उन्होंने गुजरात में वैसे ही काम किया, वही काम 4 साल से देश में करना चाह रहे। भ्रष्टाचार को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। पहले तो कांग्रेस कहती थी सीबीआई डायरेक्टर इनके, स्पेशल डायरेक्टर इनके, सीबीआई इनकी, और अगर सरकार ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो अब कांग्रेस कह रही है कि हम सियासत कर रहे हैं। बेचारे मोदी जी आए थे दूसरों का भ्रष्टाचार उजागर करने के नाम पे, अब खुद अपना भ्रष्टाचार छुपाते छुपाते जान पे पड़ी है। 2 बजे रात में सीबीआई के डायरेक्टर को हटाते हैं और छापा मरवा के जो अपने विरुद्ध कागज था उनके ऑफिस में वो गायब करवाते हैं और उसके साथ साथ उनकी सीबीआई के डायरेक्टर के घर को आईबी के लोग जासूसी करते हैं। 4.5 साल में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके, इसलिए वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और रोज राफेल कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि 100 बार हम झूठ बोलेंगे तो लोग कभी बिलीव करेंगे, लेकिन इस देश की जनता समझदार है। ये खबर तो वैसे दिवाली के पहले आपका दिल खुश कर देगी, लेकिन आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि मैं इस कंपनी में क्यों नहीं काम करता। ये हीरा कारोबारी है गुजरात के, देखिए कितनी कारें बांट दी अपने कर्मचारियों को। इतनी कारें देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। एकदम नई और चमचमाती कारों से मैदान भरा हुआ है, लेकिन इन कारों के पीछे की सच्चाई आपको और भी चौंका देगी। जी हां, एक कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में ये कारें दी गई हैं। बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, सैलरी से 1 अठन्नी नहीं कटने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी के कर्मचारी कितने लकी हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस पर नौकरी करने वाला हर कर्मचारी अपने बॉस से, अपनी कंपनी से तोहफे की उम्मीद रखता है। अगर कोई कंपनी दिवाली बोनस पर अपने कर्मचारियों को कार गिफ्ट में दे तो यकीनन कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है गुजरात के सूरत। हीरा व्यापारी ने दिवाली पर तोहफे में बांटी कारें। डायमंड कंपनी के कर्मचारियों को बोनस में मिली कारें। 600 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दी। गाड़ी हमारे बॉस ने हमको मोटिवेट करने के लिए दी है और ये हरे कृष्णा एक्सपोर्ट की ओर से हमें गाड़ी दी गई है। खुशी की कीमत ही नहीं और मैं शब्द भी व्यक्त नहीं कर सका कि कार मिली है। मेरा जो ड्रीम है मैं आज कम से कम पूरा हो गया है। विद में मेरे फैमिली भी साथ में आई है, उनके साथ में आया हूँ। चाबी लो, कार उठाओ और परिवार के साथ बल्ले बल्ले करते हुए निकल जाओ। सूरत के हीरा कारोबारी और हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स के मालिक अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में कारें बांटकर छा गए। ये तस्वीरें सूरत के हजीरा इलाके में बनी हरे कृष्ण डायमंड कंपनी के प्रांगण की, जहां कंपनी के मालिक सावजी भाई ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस में कार गिफ्ट देने का आयोजन रखा है। सावजी भाई ने अपने 600 कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है। सालोना जो सैलरी है वो है
काम ले जाता है वो ले जाता है, और काम करके जो मिलता है वो तो उसको मिलता रहता है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा उसने स्किल क्या आप किया, किस तरह से उसने कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट कराया, वो सब कैलकुलेशन करके इसने जितना जिसने लोगों ने बेनिफिट कराने में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया है वो लोग सब है। सूरत के डायमंड किंग सावजी भाई का कहना है कि कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले कर्मचारियों को ये कारें बांटी गयी। सावजी भाई बताते हैं कि इस साल कंपनी के 1500 कर्मचारियों को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चुना गया। ये कार दो कंपनी की थी, ये क्विट थी जो रेनॉल्ट थी सैलरियो थी, ये चार वैसे तो उस लोग ने 70-80 हज़ार रुपया कंपनी ने भी डिस्काउंट दिया है, 4 लाख की आसपास की कार आई है, और ये 600 कार है। वैसे 1500 लोग हमारा क्वालिफायर हुआ है, अभी तक 4000 लोग ये स्कीम में क्वालिफायर हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने इन कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा काटा है या फिर कार लीज पर दी है, ये कारें 100% फ्री में दी गई। कार का पैसा 100% कंपनी पे करती है, उसको खाली पार्सिंग का पैसा पे करने का है, ले जाए पार्सिंग करा ले रख ले, बाकी वीमो और पार्सिंग वो करा है, बाकी कंपनी टोटल पैसा कंपनी पे करती है, वो तो पहले से ही अपनी 5 साल से एक ही सिस्टम है। सावजी भाई ढोलकिया अपने कर्मचारियों को कार से पहले मकान, ज्वेलरी और फिक्स डिपॉजिट का तोहफा भी दे चुके हैं। वैसे तो हमारा पुराना कार्यक्रम है, हम 5 साल से करते आए हैं, ये हम स्किल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम है, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया वो कैलकुलेशन करके गिनती करके सबको, इससे कंपटीशन बढ़ती है, स्किल बढ़ती है, काम करने का जुस्सा बढ़ता है, जिसके पास घर होता है उसको ही कार बांटते हैं, वरना ये पैसा उसको घर के लिए देते हैं, और घर और कार होती है तो उसको ज्वेलरी के लिए या तो सेफ्टी के लिए के सोशल सिक्योरिटी के लिए या तो FD के लिए पैसा वो इतना अमाउंट इसको देते हैं। लेकिन इस बार सावजी भाई ने दिवाली बोनस पर कर्मचारियों को 600 कारें देकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में कर्मचारी बॉस की तारीफें करते नहीं थक रहे। तो ये कार दी गई है वो मेरे बॉस ने दी है, सावजी काका ने, और ये जो कार दी है वो हमारे इंसेंटिव बोनस जो आता है दिवाली का, वो दिवाली की बोनस में दी गई। मैं बता नहीं सकता मेरी कितनी खुशी कितनी है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। बॉस के लिए तो इसका कोई खुशी की कीमत ही नहीं और शब्द भी व्यक्त नहीं कर सका कि कार मिली है। हम आपको बता दें कि पिछले महीने सावजी भाई ने अपने 3 कर्मचारियों को नौकरी में 25 साल पूरे होने पर गिफ्ट में मर्सिडीज कार दी थी। 1 करोड़ की कीमत वाली GL फॉर्मेटिक मॉडल वाली मर्सिडीज कारें इन कर्मचारियों को सरप्राइज गिफ्ट में दी गई थी। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। हमारे साहब जी तो हीरा की तरह है, ये कंपनी के कर्मचारी कह रहे हैं, और यकीन करना मुश्किल है इस आदमी ने कितनी तरक्की जिंदगी में की है। जब शुरुआत की थी तो कर्ज लेकर काम शुरू किया था और 10 साल तक हीरा घिसा, कंपनी का टारगेट 2800 करोड़ का पहुंचा दिया। आज की तारीख में डायमंड किंग सावजी भाई ढोलकिया अपनी कंपनी के कर्मचारियों पर दौलत लुटा रहे हैं, लेकिन सावजी भाई इन्हीं कर्मचारियों को अपनी दौलत की कुंजी बताते हैं। जी हाँ, हरे कृष्णा डायमंड एक्सपोर्ट्स कंपनी के मालिक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। कभी अपने चाचा से कर्ज लेकर सावजी ने हीरा कारोबार शुरू किया था और आज 71 देशों में इनका हीरा कारोबार फैला हुआ है। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट ने कंपनी की गोल्डन जुबली होने पर कर्मचारियों को बोनस देने के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जिस तरह सावजी भाई अपने कर्मचारियों को तोहफे देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को ये सब स्किल इंडिया का काम हम कर रहे हैं, तलब का हम काम कर रहे हैं, हम उसने देखा है हमने, और ये इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, हमने 21 लाख अभी तक प्लांटेशन किया है, वो ब्लड कैंप हम करते हैं, मेडिकल करते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं, जो हेलमेट का ख्याल रखते हैं, प्रधानमंत्री ये सब चीज़ से बहुत मेरे को इसलिए पहचानते हैं।
सावजी भाई की कंपनी में 5500 कर्मचारी काम करते हैं। हरे कृष्णा डायमंड के दुनिया के 7 देशों में खुद के आउटलेट्स हैं। इसके अलावा दुनिया भर के 5000 शोरूम में इनका हीरा उपलब्ध है। साल 1991 में सावजी ढोलकिया का कारोबार महज 1 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2014 में 2100 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि इस साल यानी 2018 के आखिर तक डायमंड एक्सपोर्ट का लक्ष्य 2800 करोड़ का है, जो आसानी से पूरा हो जाएगा। अरबपति होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे दिव्य को पैसे की अहमियत समझाने के लिए सिर्फ 7000 रुपए देकर कोच्चि शहर भेजा था, ताकि वो खुद के दम पर रोजी रोटी कमा सके। एमबीए कर चुके बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने की कला सिखाने के लिए सावजी भाई ने ये सब कुछ किया। सावजी भाई ढोलकिया का जन्म गुजरात के अमरेली जिले के छोटे से गांव में हुआ था। पढ़ाई लिखाई छोड़कर 13 साल की उम्र में वो सूरत चले आए और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने लगे। ढोलकिया ने अपनी पहली नौकरी 179 रुपए महीना से शुरू की। 140 रुपए खाने पीने में खर्च करने के बाद उनके पास 39 रुपए बचते थे। सावजी भाई कहते हैं कि 10 साल तक उन्होंने हीरा घिसने का काम किया और हीरा घिसते घिसते आज वो डायमंड किंग कहलाने लगे। कहते हैं कि सावजी भाई ढोलकिया खुद कर्मचारी रहे हैं, इसीलिए वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों की इज्जत करते हैं, उनके काम को सम्मान देते हैं। उनके कर्मचारी कंपनी को जितना प्रॉफिट यानी फायदा पहुंचाते हैं, उसके एवज में वो उन्हें तोहफे बांटते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए दिल पर पत्थर रखिए, गाड़ी मिल नहीं रही है आपको, लेकिन अब आपको जरा मेरठ लिए चलते हैं। मेरठ में द ग्रेट हंगामा शो, और वो भी थाने के अंदर, और वकील साहिबा ने ये सब कुछ किया है। गलती उनकी बताई जा रही है, कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी थी लेकिन उल्टा पुलिस वाले पर ही सवार हो गई। मैं अधिवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिवक्ता से बात नहीं कर रहा हूँ, एक शराब पी हुई एक महिला से बात कर रहा हूँ, और एक जिसने ये देखिए, तुम शराब पी कर किए शर्मा हो, शर्मा हो तो गुंडे करोगे क्या? ये शर्मा है गुंडे करेंगे क्या? इस महिला ने पुलिस स्टेशन को सिर पर उठा रखा है। मैडम पुलिस के सामने बैठकर एक से एक भद्दी गालियां दे रही हैं। अरे दो बड़ी के रेंडल, मेरी जान ने जान पे हमला करेंगे। खुद को वकील बताने वाली इस महिला पर आरोप है कि शराब के नशे में इसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद इसने सड़क पर काफी देर तक हंगामा भी किया, और जब लेडीज पुलिस आई तो काले कोट का रौब झाड़ना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें मेरठ के लाल कुर्ती थाने की। थाने में इस महिला के खिलाफ 2 शिकायतें आई हैं और नशे में गाड़ी चलाने का भी आरोप है। थाने पर आकर शिकायत की है कि कोई महिला किसी कार को ड्राइव कर रही थी, उन्होंने उनकी गाड़ियों में टक्कर मारी है। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस एक्शन हरकत में आई और सबको थाने पर लेके, वहाँ पर कुछ लोगों ने तहरीर दी है। उनकी शिकायत ये है कि संभवतः महिला ने शराब के नशे में। हम आपको बता दें कि ये महिला कुछ दिन पहले भी सुर्खियों में आ चुकी थी, जब बीजेपी के पार्षद ने रेस्टोरेंट में दारोगा की पिटाई कर दी थी। उस दिन भी इसने दारोगा के सामने काफी हंगामा किया था। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। राजधानी दिल्ली के एक स्कूल में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र डरे हुए हैं, टीचर्स डरे हुए हैं, स्टाफ में खौफ है, सब यही बात करें कि ये कंकाल आखिर किसका हो सकता है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। जैसे ही स्कूल में कंकाल मिलने की खबर फैली, एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। मामला दिल्ली के अलीपुर थाना के मुखमेलपुर इलाके का है। इस स्कूल में सालों से बंद पड़े टॉयलेट को तोड़कर नए टॉयलेट बनाने का काम चल रहा है। जैसे ही मजदूरों ने नए टॉयलेट का कनेक्शन पुराने टैंक से करने के लिए दीवार तोड़ी तो अंदर एक खोपड़ी दिखाई दी। इंसानी खोपड़ी को देखकर मजदूर डर गया, और इतना डर गया कि उसने चेहरा तक दिखाने से मना कर दिया। आज हम लोग वहाँ काम कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे इंसान वाला नर कंकाल खोपड़ी देखी, और एक पैंट देखी, और जबड़ा देखा, और इतनी बड़ी हड्डी देखी। ये पूरा नर कंकाल नहीं है बल्कि खोपड़ी और कुछ हड्डियां हैं। ये कंकाल किसका है, महिला का है या पुरुष का है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन स्कूल टॉयलेट के टैंक में कंकाल मिलना वाकई होश उड़ाने वाला है।
जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही आएगी कि कौन था, किस तरीके से उसको यहाँ पर डाला गया, हत्या की गई या फिर क्या वजह थी। इसके लिए पुलिस अब पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है, आसपास के गांव में मिसिंग रिपोर्ट सर्च कर रही है जो कम से कम 10 साल पहले की हो, और उसके लिए आसपास के तमाम थानों में एक रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि ये पता लग सके कि मिसिंग रिपोर्ट में कोई ऐसा शख्स था जिसकी आज तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी हो, तो उसके आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन वाहिद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें, अपने मोबाइल पर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, aajtak.in पर जाएं और यूट्यूब पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।